हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय बैकपैक। और आज मैं एक डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ अपने हॉस्टल के, अ डे इन अ हॉस्टल लाइफ। उसकी सुबह के 7:30 बज गए होंगे, 9 बजे से हमारी क्लासेस होती हैं और हम दूध लेने जा रहे हैं, मैं और मेरी एक फ्रेंड। Going for bath. हमारा डन हो गया है और हम क्लास के लिए लेट हो गए हैं। हमारी 9 बजे से क्लास है और ये अभी 9:22 हमें हॉस्टल में ही हो गए हैं। मेरे दोस्तों ने लेट करा दिया ब्रेकफास्ट लेट करते हैं, रेडी लेट होते हैं, तो उनकी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। क्या करूँ, वरना मैं तो बहुत पंचुअल हूँ यार। अब वो मुझे घूर रहे हैं पीछे पीछे, पता नहीं जैसे, पता नहीं मैंने क्या ही उनके बारे में क्या ही गलत बोल दिया हो। सो गाइस, मैं अब आपको कॉलेज में मिलूँगी। कॉलेज जा रहे हैं अब हम फटाफट। कॉलेज यहाँ से 5-6 मिनट की दूरी पर होगा हमारा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। एंट्री करनी होती है हमें हॉस्टल से निकलने से पहले, तो अभी हम एंट्री कर देते हैं। सर अवंतिका सर प्रेजेंट। घर मतलब कॉलेज से हॉस्टल जा रही हूँ, मेरे खाने का टाइम हो गया 1:00, मेरी क्लास ओवर हुई थी तो मैं हॉस्टल जा रही हूँ। मैं आपको मेस में जाके दिखाऊंगी मैं मेस में खाना कैसे मिलता है, कैसी कैसी फैसिलिटीज़ होती हैं, कैसा होता है अंदर से देखने में। तो चलो अभी मैं एंट्री कर देती हूँ, मैं हॉस्टल में घुस गई बस ऑलमोस्ट। मैंने कर दिया है। टाइम लिखना होता है जब आप हॉस्टल से निकल रहे हो एंड हॉस्टल में एंट्री कर रहे हो, आपको पूरा प्रॉपर टाइम लिखना होता है, जगह बतानी होती है कहाँ जा रहे हो। तो इसके बाद तो मेरी कोई क्लास नहीं है, सिर्फ मैं खाना खा के सीधे रूम पे चली जाऊँगी। आज तो इतना कुछ हैक्टिक डे इतना भी नहीं है, दो क्लास ही हुई थी बस। तो चलो खाना खाते हैं। आज मैंने ऑलमोस्ट कुछ खा भी लिया डिपार्टमेंट के अंदर, तो अभी फिर भी थोड़ा बहुत खाऊँगी, आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे होता है। चलो मिलते हैं आपसे मेस में। मैं अभी खाना खाकर आ गई हूँ। कढ़ी चावल, आलू की सब्ज़ी, रोटी, सैलड, ये सब था। मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले कि मैंने डिपार्टमेंट में कुछ खा लिया था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ खाऊंगी नहीं, मैं चावल वगैरह खाऊंगी। तो बस मैंने चावल खाए अभी और मैं रूम पे आके बैठ गई हूँ। अभी मैं ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी, इसके बाद शायद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, आधा घंटा 1 घंटा करूँगी, या फिर अपना कोई काम करूँगी रेस्ट करने के बाद। उसके बाद 4 बजे मेरा हो जाएगा जिम टाइम। 4 से 5 मैं जिम करती हूँ, हॉस्टल के अंदर ही करती हूँ। मैं आज आपको शायद थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाऊँगी जिम का भी, कैसा जिम होता है। सो गाइस स्टे ट्यून। और ये जो हॉस्टल का रूम, ये सब चीज़ें तो मैं एक अलग वीडियो में दिखाऊँगी आपको। अभी आपको रूम दिख रहा होगा पीछे से, थोड़ा हॉस्टल रूम टाइप वाइब आई दी होगी पढ़ने वाले बच्चों का। सो गाइस चलो फिर मिलते हैं आपको। अभी मैं 4:30 हो गए, 4 बजे सोते जिम टाइम, ये मेरा जिम टाइम है।
जिम अभी खुला, थोड़ा लेट आप दिख रहे होंगे, तो चलो जिम करते हैं। चाय का टाइम हो रहा था तो चाय तो मैं पीती नहीं, लेकिन चाय के साथ 2 रुपये वाला पार्ले जी का बिस्किट मिलता है वो मैं लेके आती हूँ, दिखाती हूँ। देखो मैंने कितने इकट्ठे कर रखे हैं, मेरा ढेर पार्ले जी के बिस्किट्स का। फ्रेश वगैरह होंगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी 5-10 मिनट, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। यार सुबह से अभी पढ़ा नहीं है। चलो अब मेरा खाना तो आपने देख लिया था, खाना हो गया, 9 o'clock मैं ऊपर आ गई हूँ। अब मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी, फिर 12, 12:30, 1 भी बज जाएगा, 1 भी 1:30 भी बज जाएगा, तब तक मैं पढ़ाई करूँगी। अभी फ़ोन पे बात हो रही थी मेरी फैमिली वगैरह, भाई दोस्तों वोस्तों से, जिनसे भी बातें चल रही थी मेरी, तो फिर उसके बाद पढ़ना, देन सो जाना, फिर अगले दिन मॉर्निंग रूटीन एज यूजल हमेशा की तरह। तो अब मैं आपको कब मिलूँ, सो द टाइम, ठीक है, तब गुड नाइट बोल के बाय बोलते हैं। ओके गाइज।